हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फ्यूचर एजुकेशन पर। चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी, वो भी बिल्कुल सही समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे RSMSSB पटवार भर्ती पर बहुत बड़ी अपडेट बोर्ड द्वारा जारी की गई। अभी कुछ देर पहले ये अपडेट जारी की गई है, तो मैं आपको वो अपडेट लेटेस्ट लाइव दिखा देता हूँ। वो अपडेट क्या है, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक पूरा देखना है और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अपडेट बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा पटवार भर्ती पर और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आगे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले और सबसे सटीक यही चैनल बताएगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, राजस्थान जीके, इंडियन जीके के और करंट जीके के क्वेश्चन आंसर बहुत ही शानदार सेट उपलब्ध करवाता है, जो कि परीक्षाओं में आ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चंस वो सेट उपलब्ध करवाता है चैनल, और आंसर कीज भी उपलब्ध करवाता हूं फ्रेंड्स, जिससे कि आपके जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें से आपको पता चल सके कि किस किस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है RSMSSB और इसको आप सर्च कर दीजिएगा। जब आप इसे सर्च कर देंगे फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा RSMSSB का, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यूज़ नोटिफिकेशन। तो आपको इस न्यूज़ नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जितने भी नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं वो सभी आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पटवार लिस्ट ऑफ फॉर्म्स रिजेक्टेड ड्यू टू मल्टीपल सबमिशन ऑफ फॉर्म्स। यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी कुछ देर पहले ही बोर्ड द्वारा जारी की गई है। कहते हैं यहाँ फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हुआ ये है कि कुछ लोगों ने दो दो फॉर्म्स लगा दिए हैं इस भर्ती में, तो उनका कोई एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो ओरिजिनल फॉर्म हो, जो सही फॉर्म हो, वो रिजेक्ट हो जाए, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए हम इसे सिंपली क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, अब ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में। और डाउनलोड होने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको वो लिस्ट दिखा दूंगा। काफ़ी बड़े ये पेज रहने वाले, काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा आपके सामने ये पेज ओपन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे नेम इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें लगभग आपके 13 लाख आवेदन आए हैं। पटवार भर्ती पर कितने आवेदन आए, कितना कैंडिडेट पर इसमें आपका जो है वो फाइटिंग हो रही है, किस कैटेगरी में कितने फॉर्म आए, ये भी वीडियो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है, आज ही का अपडेट है, आप डेट देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है पटवार सीधी भर्ती में एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा भरे गए अंतिम आवेदन को स्वीकार करा गया है व पूर्व में भरे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त किए गए आवेदन तथा स्वीकार किए गए आवेदनों की सूचना संलग्न सूची में प्रकाशित की जा रही है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपत्ति हो तो बोर्ड में आप अविलंब सूचित कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 119 पेज का पूरा ये आपके डेटा है, यानी कि आपके काफ़ी ज़्यादा इसमें नेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके साइड में आपको एक्सेप्टेड दिखा रहा है एक तो, और एक रिजेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि जो आपने लास्ट में फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो जो पहले फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपके नेम रिजेक्ट हो चुके हैं और ये स्वीकार कर लिए गए हैं। अब आपको चेक करना है अपना नाम की कि मेरा नाम कहीं इसमें लिस्ट में तो नहीं है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ सर्च बॉक्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मैं आपको दोबारा से ला के दिखा देता हूँ। यहाँ आप राइट साइड में ऊपर देखेंगे अपने, तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्या करना है, अब इसको दबाकर अपना नेम सर्च कर लेना है। जैसे कि आपका नाम अगर राजेश है तो आपको सर्च करना है RAJESH। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी राजेश नेम के कैंडिडेट्स हैं वो सभी आपको दिखा देगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं राजेश, और ऐसे ही अगर आपका नाम विनोद है तो आप सर्च कर सकते हैं VINOD और उसके बाद में लगा देना है जो भी आपका पूरा नाम है वो विनोद कुमार। तो जैसे आपको यहाँ पर अपना नाम लगाना है, और जैसे ही आप नाम लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने नंबर दिखा देगा कितने इसमें कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं विनोद कुमार जैसे कोई कैंडिडेट है, तो इनका ये वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और ये वाला फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। तो इस प्रकार से आप अपना नेम भी चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम इसमें लिस्ट में तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।